गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत है यूनिवर्स पावर हीलिंग बाय नीलम चैनल में। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर नीलम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। अधिकादशो अध्याय। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा अगर आप मानते हो, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद्गरणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो वो भी देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख सकता है। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायकों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेवों को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही।
आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र, सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन्य, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वासु, 7 दिगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत ही दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णुवे, आकाश को स्पर्श करने वाले दैत्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। धाड़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। वे सभी घृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करती है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णुवे, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ।
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरी को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी में बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धु गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन्य, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी ऊपर अक्षर अर्थात सच्चिदानंदगण ब्रह्मा है, वह आप ही तो है। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपके यह सब जगत आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार 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 हो। हे अनंत सामर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन्य, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार सैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिनत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबके बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए।
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो मैं सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले मुझे नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और ना यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल स्वरूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मन्य श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिए। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञों से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए साक्ष्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूतों में, भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनीतत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम का दसे अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। ओम गणेशाय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन या अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।